Hey everyone, welcome to my channel and those who all are new, hi, my name is Sandhya and आज मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है और जो वीडियोज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि ना ही आज कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ में शेयर करूँगी और ना ही कोई DIY। तो ये वैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी वो कि आप कैसे जो यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं उनको अपने मोबाइल फ़ोन से आप उनको एडिट कर सकते हो। मतलब आपको लैपटॉप वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप मोबाइल से शूट कर सकते हो, मोबाइल से ही एडिट कर सकते हो। तो ये आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी यूट्यूब के लिए तो मैंने सोचा था अब मुझे मैं मोबाइल से कैसे एडिट करूँगी, मुझे पता ही नहीं था कि मोबाइल से भी एडिटिंग होती है। मुझे लगा था उसके लिए लैपटॉप या वगैरह ही यूज़ होता है एडिटिंग के लिए, यूट्यूब की वीडियोस के लिए। तो बाद में फिर मैंने सर्च मारा जब वीडियो यूट्यूब पे, तो बहुत सारी वीडियोस थी, मैंने देखी, काफ़ी वीडियो देखी, तो बहुत सारी ऐप के बारे में उन्होंने बताया कि मोबाइल में आप मोबाइल से आप ईज़िली एडिट कर सकते हैं ऐप का यूज़ करके। तो जिस ऐप का यूज़ करके मैं एडिट करती हूँ वीडियोस वो है InShot। तो बहुत से लोग, मतलब सभी लोग जानते होंगे वैसे InShot जो ऐप है उसके बारे में, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी आपको कैसे उससे एडिटिंग करनी है एंड और भी एक दो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अभी तक वीडियोज़ में नहीं देखी है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सारी ऐप्स हैं मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई बिल्कुल भी। मुझे InShot बहुत आसानी से समझ आ गई थी और बहुत ही चलाने में बहुत इजी है, मतलब यूज़ करने में आपको भी एक बारी में ही समझ आ जाएगी। तो एक बात मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप शूट कर रहे हैं तो हमेशा फ़ोन को ऐसे रख के शूट करें, कभी भी ऐसे रख के मत करें, क्योंकि उससे क्या होता है उससे आपकी जो वीडियो है वो इस तरह की आती है, मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। एंड अगर आप ऐसे करेंगे तो ये फुल आपका जो है फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो ऐसे कभी मत करना, हमेशा ऐसे आपको वीडियो शूट करनी है ऐसे करके। तो अब चलते हैं हमारी ऐप की तरफ। तो सबसे पहले आपको आपके पास स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐप को यूज़ करने के लिए, वो तो सबके पास आजकल है ही। और सेकेंड, आपको मोबाइल में आपके जो ऐप है वो डाउनलोड होनी चाहिए। गाइज वॉन्ट टू नो अबाउट माई टॉप, तो ये है, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था अपने लिए कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत सारे तो नहीं, कुछ टॉप ऑर्डर किए थे, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड विद गुड क्वालिटी है, तो आप वो भी चेकआउट कर लें। तो पहले आपको अपनी गैलरी में जाके वही वीडियो रखनी है सिर्फ जो आपको एडिटिंग करनी है, मतलब जो एक्स्ट्रा वीडियो जो बन जाती है हमारे यूट्यूब के लिए, तो वो आपको डिलीट कर देनी है ताकि आप जब InShot पे वीडियो सेलेक्ट करें यहाँ से तो आपको ईजी रहे, मतलब कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, InShot खोलना है, फिर वीडियोस आपको करना है एंड देन उसके बाद न्यू, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली थी जो मुझे चाहिए थी, तो इतनी बची हैं जो वीडियोस, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली एक एक करके। तो उसके बाद आपको ओके का बटन दबाना है एंड ये वीडियोस आ गई हैं सारी यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपको नीचे पे यहाँ पे सारी जितनी वीडियोस आपकी हैं वो आ जाएंगे एक एक। तो उसके बाद आपको ये करना है, इसको सिलेक्ट करके ऊपर पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, म्यूज़िक, कैनवास, स्टिकर, टेक्स्ट, फिल्टर, ये सब आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ से वॉल्यूम आप इसको कर सकते हो, या तो आप बिल्कुल म्यूट भी कर सकते हो, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। तो आपके जो राइट साइड पे आपको एक टिक दिख रहा है और लेफ्ट साइड पे दो टिक दिख रहे हैं, अगर आपको सब पे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, मतलब अगर आप पर सब पे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो आप डबल क्लिक करना, अगर आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है कभी किसी में कम ज़्यादा या नहीं चाहिए तो आप जो एक टिक है वो उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अभी जब ऐसे करके आता है तो ये आपका पूरा सेलेक्ट हो रखा है, तो ये पूरा आपका सेलेक्ट हो रखा है यहाँ तक एक पूरा वीडियो जो है। अब उसके बाद हम इसकी एडिटिंग करेंगे स्टार्टिंग से, जो पहले कैनवास है यहाँ से आपको फ्रेम, मतलब आप सिलेक्ट करना अपना या ऐसा करके आपका फ्रेम आएगा आप देख सकते हो, तो 16:19 है वो यूट्यूब का ही है, तो आपको यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था आप वैसे उसमें वीडियोस अब बनाएंगे तो यहाँ पे सेम वैसे ही एक क्लिक करना है या डबल जो टिक है वो सब में फिर वैसी फ्रेम आ जाएगा। सेकेंड जो एडिटिंग ऑप्शन है म्यूज़िक का, तो उसमें आपको एक रिकॉर्ड है, एक इफ़ेक्ट और एक म्यूज़िक है, तो रिकॉर्ड में आपको पता है रिकॉर्डिंग करने के लिए है तो आप रिकॉर्ड करना है और उसके बाद यहाँ से आपको अगर चाहिए तो टिक, अदरवाइज़ क्रॉस करके आप दोबारा कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में आपको अलग अलग आवाज़, जैसे ट्रांजिशन पॉपुलर बेल्व की आवाज़ है, या बटन की आवाज़ है, या फ्लैश, जो भी आपको चाहिए होगी वो आपको यहाँ से इजली मिल जाएगी। आपको हंसने की आवाज़ है, मतलब बहुत सारी आवाज़ें हैं यहाँ पे, मतलब इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो आपको इजली मिल जाएगा यहाँ से। और फिर हम माय म्यूज़िक में भी जा सकते हैं, यहाँ से अगर आप अपने म्यूज़िक से कुछ आप डालना चाहते हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको अलग अलग जो म्यूज़िक होते हैं वो मिल जाएगा, बहुत सारे म्यूज़िक हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद है स्टिकर का ऑप्शन, तो यहाँ से आप स्टिकर अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे कोई से भी यहाँ पे। और ये मैंने अलग अलग स्टिकर, और आप इनको एडिट भी कर सकते हो, बड़ा छोटा, या फिर आपको इसमें ट्रांजैक्शन देना है वो मैं अभी बताती हूँ कैसे। आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का, और आप यहाँ से इसको बड़ा, मतलब कितनी वीडियो तक आपको चाहिए, तो बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन है, आप इसको कैसा लाना है, मतलब अलग अलग तरीके से। यहाँ से आप इसको अलग अलग वो दे सकते हैं। तो यहाँ मुझे से ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं वही करने लग गई फिर उसके बाद। तो ये जो ऊपर पे जो टाइमर दे, यहाँ से आप इसकी जो, मतलब आप इसको कम या ज़्यादा, मतलब जल्दी ट्रांजेक्शन है वो, या फिर स्लो स्लो करके भी आप ला सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है, और नेक्स्ट आप यहाँ से अपनी गैलरी में से भी कुछ चीज़ अगर आपको लानी हो, पिक वगैरह लगानी हो, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं इसको। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। जैसे आप ये गए गैलरी से, मैंने एक फ़ोटो ली है रस्टी वाली, एंड यहाँ से आप इसको लगा सकते हो कहीं पे भी। और इसमें भी सेम वैसे आपको एडिट करके कुछ भी आप इसे बड़ा छोटा, या फिर डिलीट, कॉपी, डुप्लीकेट, आप इसके कुछ भी कर सकते हो। या आपको कितनी वीडियो लंबी चाहिए, आपको ये मतलब फ़ोटो आपको कितनी वीडियो तक चाहिए वो भी इजली हो जाता है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है, एंड आप चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है टेक्स्ट। तो सिंपली आपको टेक्स्ट जो चाहिए आप टाइप कर सकते हो, और आप टेक्स्ट का जो, मतलब जो फॉन्ट है वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह कुछ भी आप सब कुछ इसमें से आराम से चेंज कर सकते हो। तो टेक्स्ट का यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट जो है वो, सॉरी, फॉन्ट पे आप चेंज कर सकते हो कैसे भी। यहाँ से आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, एंड सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपको जो लेट, मतलब जो लेटर है उसमें कितना गैप चाहिए, एंड थर्ड वाला है वो आपको जो, अब मैं बताती हूँ दोबारा कैसे, उससे क्या होता है ये मैं दोबारा से टाइप करना है, नीचे आए एंड उसके बाद तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन था इसका, ये आपको यहाँ पे गैप देने के लिए है। और ये आप इस टेक्स्ट को कैसे भी, जैसे बीच में रखना है, बीच में, साइड में, या फिर कहीं पे भी। और फिर उसके बाद आप यहाँ से ट्रांजिशन दे सकते हो कैसे भी, ऐसे आप इसे घुमा सकते हो, या फिर कहीं से आए, या फिर फेड आउट, फेड इन, जो भी आपको करना हो। नेक्स्ट जो है फ़िल्टर का है ऑप्शन, तो यहाँ से आप कोई भी फ़िल्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो,
तो वैसे ही है सेम, अगर आपको सिंगल उसी वीडियो पे चाहिए तो सिंगल वाला टिक करना है, और अगर आपको सारी जो वीडियोस हैं जितनी भी उसमें चाहिए तो आपको डबल जो क्लिक है वो वाला करना है। तो सारी जो वीडियोस होंगी उसमें आपका सेम एक ही जो फिल्टर आप सिलेक्ट कराए वो आ जाएगा उसमें, और आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग वीडियो सेलेक्ट करके आप अलग अलग फिल्टर लगा सकते हैं। तो मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो सब में वो फिल्टर आ जाएगा, आप देख सकते हो सब में वो आ गया है। जैसे यहाँ से अलग वीडियो स्टार्ट किए तो इस पर भी सब में सेम फिल्टर आ गया पूरी वीडियोज़ में। देन उसके बाद एक टिक है उसको सेलेक्ट करके आपको फिल्टर्स में अप्लाई हो गया। देन उसके बाद है PIP, मतलब आप अपनी वीडियोस में कुछ कोई वीडियो की है जो चल रही है उसमें दूसरी वीडियो भी अंदर चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, PIP वाला बटन यूज़ करना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ से कोई सी वीडियो सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने ये वाली कर ली। एंड कितना बड़ा छोटा कहाँ पे आपको एडजस्ट करनी है वो आपको, व्लॉग वाली थी वीडियो ये जिसमें अभी मैंने नहीं देखी तो आप देख लेना। तो फिर मैंने वो हटा दी है एंड अभी दूसरी वीडियो सिलेक्ट करी है, तो ये वाली है वीडियो सिलेक्ट करी मैंने अभी, क्योंकि मैं उससे पहले कुछ चेक करी थी तो ये वाला मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी। तो ये वाली वीडियो है, आप ऐसे करके कोई भी वीडियो अगर आप अपनी स्क्रीन पे लगाने, मतलब चलती वीडियो में लगाना चाहते हो तो इसलिए आपके यहाँ से PIP वाला ऑप्शन से लग जाएगा। और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरे जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं तो आप वॉल्यूम उसकी कम ज़्यादा या फिर उसको कॉपी करना है कॉपी हो जाएगी, एंड क्रॉप करना है क्रॉप हो जाएगी, आपको डिलीट करनी है डिलीट हो जाएगी वहाँ से, आपको स्पीड उसकी ज़्यादा करनी है कम करनी है तो वो भी आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट प्री कट का ऑप्शन है, तो इसमें आपको ट्रिम ट्रिम तो आप वैसे भी कर सकते हो, कट और स्प्रेड कर सकते हो, यहाँ से स्प्रेड भी कर सकते हो कट कर सकते हो यहाँ से आप इजली। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितनी कट करनी है या फिर कितनी आपको क्या करना है स्प्रेड। अब नेक्स्ट जो है वो स्प्रिट का ऑप्शन है, तो जैसे वाली वीडियो मैंने सेलेक्ट की है तो मुझे स्प्रिट करनी है कहीं बीच में, स्पीड तेज ज़्यादा करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए कोई, तो मैंने यहाँ पे ये स्प्रिट कर ली है वीडियो, दोबारा से स्प्रिट कर दिया। तो अब ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गई वीडियो मेरी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये वाली वीडियो का जो ये बीच में जो ये वाली है इसको मुझे स्पीड कम करनी है या ज़्यादा करनी है, तो आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो वैसे यहाँ से, रिवर्स कर सकते हो या इसको रोटेट कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो, मतलब किसी में भी कर सकते हो। वो तो मैंने अभी सिलेक्ट करा तो मैंने दिखा दिया आपको, तो यहाँ से आप स्पीड कम या ज़्यादा आपका आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है तो मैंने स्प्लिट करके फिर आप कोई आपको जो वो है आपको स्पीड तेज करनी है कम करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो स्प्लिट करके, पूरी वीडियो नहीं होगी स्प्लिट करके बीच में जितना ही पोर्शन आपको चाहिए होगा वो हो जाएगा इसलिए। देन उसके बाद ये रोटेट का ऑप्शन, रोटेट कर सकते हो अपनी वीडियोस को। और फिर उसके बाद है स्पीड, तो मैंने आपको बता ही दिया था, बैकग्राउंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, एंड डिलीट भी कर सकते हो, एंड बैकग्राउंड यहाँ से जैसे आपको कुछ भी यहाँ लेना है, तो वैसे तो ज़रूरत नहीं होती बैकग्राउंड कभी ऐसे डालने की, तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो चेक कर सकते हो। तो आपको सब में चाहिए सेम वैसे ही है सारे उसमें, तो एक टिक अगर आपको पूरी वीडियोस में चाहिए तो आपको डबल क्लिक करना है। तो मुझे तो कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए किसी भी वीडियोस में, लाइट टू ऑन कर दिया मैंने, नो बैकग्राउंड। और यहाँ है स्पीड का ऑप्शन, आप यहाँ से स्पीड तेज, जैसे मैंने तेज कर दिए तेज या स्लो डाउन, या फिर आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। और ये फ्रेम है, मतलब सॉरी क्रॉप का है ऑप्शन, आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो नीचे पे, फिर वही वाला लेकिन आपको मिल जाएगा। तो ये क्रॉप का है, ये आपको जितना मर्जी जहाँ से, अगर आप एक साइड से करना है एक साइड से, दो साइड से दो साइड से, कहीं से भी क्रॉप कर सकते हैं।
एंड तो अब हो रही है रिवर्स, यहाँ से आप रिवर्स का ऑप्शन जो है आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब वीडियो को उल्टा चला सकते हो, कोई भी आपको सिलेक्ट करना है जो भी वीडियोस आप चाहते हो उल्टा चले आपकी वो वीडियो। तो ये भी प्रोसेसिंग हो रही है रिवाइंडिंग एंड ये अब हो गई 100%। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे चल रही है, सभी इतना इसमें पता नहीं चलेगा अभी, पर इसकी जो आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही कॉमेडी लग रही थी, मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज जैसे मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो सब उल्टा चल रहा था। तो मैं आगे करके दिखाती हूँ, जैसे ये है अभी इसमें भी इतना पता नहीं चल रहा है, अगर मैं कोई चीज़ उठाती या रखती तो उसमें ज़्यादा पता चलता, पर मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आप इससे कोई भी चीज़ रिवाइंड कर सकते हो, इसलिए रिवर्स कर सकते हो। एंड नेक्स्ट रोटेट, रोटेट आपको पता है आप इसलिए कोई भी उसको सिलेक्ट करके लेने के बाद रोटेट कर सकते हो। एंड फिर है फ्लिप का, फ्लिप भी आप देख सकते हो कैसे हो रहा है इधर उधर इधर उधर। एंड नेक्स्ट है आपका फ्रीज, तो आपको कोई भी आप चीज़ चाहते हो कि रुक जाए, तो अभी जैसे मैंने सिलेक्ट करके इतना फ्रीज़ कर दिया तो वो फ्रीज़ हो गया। एंड उसके बाद अब है जैसे जो वीडियोस होती हैं, तो वीडियो को आप वैसे यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हो, इसलिए बड़ा छोटा यहाँ से ऐसे करके आपको छोटा करना है या मतलब काटना है कोई चीज़ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको वहाँ ऑप्शन में जाने की ज़रूरत है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर दो वीडियोस के बीच में कोई ट्रांजेक्शन चाहिए आपको तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो जैसे कोई सा भी आपको चाहिए जो आपको अच्छा लगे। और ऊपर जो है ये आपको ट्रांजेक्शन फास्ट चाहिए स्लो चाहिए तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए, एंड सेम लेफ्ट एंड राइट जो टिक दे रखे हैं वो आपको ध्यान रखना है, एक में चाहिए तो सिंगल टिक और सब में चाहिए तो आपको डबल क्लिक करना है। अभी जैसे मैंने ट्रांजेक्शन चलाया वो, तो ऐसा आप सारी उसमें अलग अलग भी लगा सकते हो सेम भी लगा सकते हो वो टोटली। एंड अब उसके बाद आपको सेव करना है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएंगे आपको आपको कौन से रिजोल्यूशन में करना है, तो मैंने यहाँ पे 1080p एंड यहाँ पे मैंने ये देखा। फिर उसके बाद सेव का ऑप्शन कर सेव कर देना है फाइल को, और फिर यहाँ पे कन्वर्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो जब तक 100% नहीं होती आपको बैक का ऑप्शन है, मतलब आप इसको होम करने के बाद अपने कोई से पीछे चला सकते हो। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम से पहुँच। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।